हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज जेवीएन डॉक्टर राकेश शर्मा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोथेरेपी मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसॉफी, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। और टुडे सेशन इज अकॉर्डिंग टू 192 डॉक्टर डिजीज। ऑल ट्रू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज ऑन द एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हैज अकर्ड फ्रॉम लिटिल और नो इंजरी फ्रॉम विदाउट मस्ट therefore be directed against the whole must effect the annihilation and cure of the general malady by means of internal remedies. If it is wished that the treatment should be judicious, sure, efficacious and radical. In such local diseases where no external cause is identified, so these must be treated with internal remedies to get a judicious, sure, efficacious and radical. डॉक्टर हिनीमेन हमें इसमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकल डिजीजेस का कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं है, कोई मतलब मैकेनिकल कॉज नहीं और कॉज इंटरनल है, तो हमें इंटरनल मेडिसिन देने से ही वो डिजीज उनकी ठीक होगी, अदरवाइज ठीक नहीं होगी। इंटरनल डायनेमिक होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे तब जुडिशियस शॉर्ट इफिकेशियस मेडिकल क्योर के बारे में हम सोच सकते हैं। इंटरनल मेडिसिन द्वारा मस्ट इफेक्ट द एनिहिलेशन एंड क्योर ऑफ जनरल मैलेडी बाय मींस ऑफ इंटरनल रेमेडी। इफ इट इज विश दैट द ट्रीटमेंट शुड बी जुडिशियस श्योर इफिकेशियस एंड रेडिकल। अगर हमें ट्रीटमेंट को रेडिकल इफिकेशियस श्योर करना है तो हमें इंटरनल रेमेडीज हमें देने की जरूरत पड़ेगी। एक्सटर्नली आप कितना भी कुछ भी लगाते रहो ट्रीटमेंट नहीं है और ये जाके सेपरेशन और पेलिएशन क्रिएट करेगा। सो दिस इज 190 ओरिजन। दिस सेशन पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माय डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व। Thank you.